गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल काजल फैशन में आपको बहुत 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 स्वागत है। तो आज का जो मेकअप है ये है एक मेकअप ट्यूटोरियल। तो यस विंटर स्टार्ट है यार, तो वैलेंटाइन डे आने वाली है एंड बहुत सारे यू नो किसी किसी के घर पे फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा यू नो न्यूडी पीची कलर में आपके साथ एक मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूंगी। तो यस उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना, आपको पता है यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिंक, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। एंड सबसे पहले मैं ये करती हूँ अपनी हुडी चेंज, तब तक आप कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइज यहाँ पे आप मेकअप स्टार्ट करते हैं। स्किन केयर मैंने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है, प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर प्राइमर है। ये बहुत अच्छा प्राइमर है गाइज, मतलब कहीं पे भी अगर आपको कोई अच्छा प्राइमर नहीं मिल रहा है ना, आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से शाइन देता है एंड एक वो वाला शाइन नहीं है जो जिसमें ग्लिटर्स होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ना बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है, प्राइमर है ही तो प्राइमर का काम बहुत अच्छी तरीके से करता है, पोर्स को बहुत अच्छी तरीके से हील करता है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल बेस रेडी होता है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट अपना प्राइमर अप्लाई कर लूँगी एंड आप देख सकते हो जहाँ पे आपको लगता है ना कि आपके पोर्स है तो स्पेशली वहाँ पे आप ब्लाइट ज़रूर करें। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है करेक्टर। तो करेक्टर हमेशा यूज़ करना चाहिए एंड उनको स्पेशली करना चाहिए जो कहते हैं कि मेकअप के बाद या फाउंडेशन लगाने के बाद हमारा जो फेस है ना बहुत ज़्यादा पैची लगता है, अलग से ही फाउंडेशन दिखता है एंड धूप में जाकर अगर हम गौर से देखते हैं मतलब हैंड मिरर में तो हमारे पोर्स भी दिखते हैं। तो करेक्टर इज़ वेरी मस्ट, आपकी वैरायटी में होना ही चाहिए। इसके बाद करेक्टर को मैं स्पॉन्ज की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। तो करेक्टर आपको किस तरीके से लगाना है, आपको बहुत सारे YouTube पे वीडियो से मिल जाएंगे आपको किस तरीके का करेक्टर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ करी फाउंडेशन, वो एले गर्ल का था, बहुत ही सही कवरेज देता है, मतलब कह सकते हो फुल कवरेज आपको दे देता है, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है एंड पूरा मतलब 24 hours आराम से रहता है विदाउट टचअप। इसके बाद यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर के लिए भी मैंने स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर यूज़ किया था एंड करेक्टर भी मैंने स्विस ब्यूटी का ही यूज़ किया था, वो मैं भूल गई थी आपको बताना। तो यहाँ पे मैं अपना कंसीलर यूज़ करूँगी एंड कंसीलर आपको वहीं यूज़ करना है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके फीचर्स को इन्हेंस करना है, जस्ट आप वहाँ पे अप्लाई कर लो। या फिर आपको लगता है कि आपके जो डार्क सर्कल हो कुछ ज़्यादा ही विजिबल है तो भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ एंड इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से इनको ब्लेंड करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं फटाफट से ब्लेंड करूँ एंड आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ कि जहाँ पे कंसीलर लगा है ना जस्ट वहीं पे ही ब्लेंड कर रही हूँ। ये नहीं कि आईज़ पे लगाया तो फेस पे कर रही हूँ, फेस पे लगाया तो आईज़ पे कर रही हूँ। जहाँ पे आप पे आपने अपना कंसीलर डिपॉजिट किया है जस्ट आपको वहीं पर ब्लेंड करना है, वरना जो आपका मेकअप है ना बहुत ज़्यादा पैची सा दिखने लगेगा। एंड बहुत लोगों की शिकायत होती है कि वो फाउंडेशन लगाने के बाद उनका जो बेस मेकअप वो ग्रीन पड़ जाता है या फिर काला पड़ जाता है। तो यही थोड़े से रीज़न्स होते हैं कि आप करेक्टर, प्राइमर, फाउंडेशन और कंसीलर अच्छी तरीके से आपको अप्लाई करना होता है एंड किस तरीके से अप्लाई करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को भूल जाते हैं। एंड अगर आपने अपने स्किन केयर किया है तो यार माशाल्लाह, मतलब मेकअप तो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है एंड बहुत अच्छी तरीके से दिखता भी है। तो जस्ट यहाँ पे मेरा ब्लेंडिंग फिनिश हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, ये फेसेस कैनेडा का है एंड बहुत अच्छा है। जस्ट इसको मैं 2-3 पंप यूज़ करूँगी, उसके बाद 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद अपने पूरे मेकअप को सेट करेंगे। सेट करने के लिए आप यहाँ पे लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो एंड आप चाहो तो कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ठंडी में या विंटर में कह लो मैं यूज़ करती हूँ कॉम्पैक्ट ही, क्योंकि समर्स में मैं सेटिंग पाउडर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठंड में इतना नहीं करती। यहाँ पे मैं कंटूर कर रही हूँ। कंटूरिंग के लिए ये जो आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ में शुगर का पैलेट, इसमें आपको कंटूर, हाईलाइट और ब्लश तीनों मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई कंटूर ना मतलब कुछ ज़्यादा हेवी शार्प लाइन का कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक हल्का हल्का नहीं कहते एज अ ब्रॉन्जर आप कह सकते हो, जस्ट हल्का सा किया है, मतलब टचअप वाला बस किया है। तो इसी में ही, इसी पैलेट में ही ना आपको तीनों चीज़ मिल जाती है। तो इसी का ब्लश मैंने यूज़ किया है, वो थोड़ा सा ब्राइट पिंक कलर में, बट मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, हल्का सा थोड़ा सा टिंट काइंड ऑफ मैंने यूज़ किया है एंड ये ब्लश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ब्लश मुझे पर्सनली आजकल कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहे हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने चिक्स पर अप्लाई कर लूँगी। अगर आपके चिक्स थोड़े मेरी तरह फ्लफी हैं तो आप आराम से थोड़ा सा ऊपर की साइड पर यूज़ करें, नीचे की तरफ ना हो।
जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये है आईब्रो। अगर आपके आईब्रो मेरी तरह पहले से ही मोटी है ना, जस्ट आपको बीच में फिल करना होता है, ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका आईब्रो बहुत ज़्यादा पतला है, कोई शेप नहीं है, बस एक ऐसे नॉर्मल सीधी सी लाइन है, तो आप चाहो तो उसको शेप दे सकते हो, अच्छी तरीके से यू नो हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे आईब्रो का ना शेप पहले से ही है, तो मैं इसको जस्ट फिल ऑन करती हूँ बीच बीच में से ना, हल्का सा ब्राउन डार्क ब्राउन शेड लेकर ना इसको फिल ऑन कर लेती हूँ बस, कोई अलग से ना कारामात नहीं करती, जस्ट फिल ऑन कर लूँगी। एंड गाइस मैं यहाँ पे भूल गई थी, स्पूली की हेल्प से ना अच्छी तरीके से अपना आईब्रो को कोम ज़रूर करना है, इससे ना बहुत अच्छा शार्प लुक आता है। यहाँ पे मैं आई मेकअप के लिए क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा डार्किश कलर ले रही हूँ, ये थोड़ा प्लम्प कलर है, इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हो जस्ट और जस्ट आउटर कॉर्नर पर इसको आपको अप्लाई करना है। किस तरीके से अप्लाई करना है, सारी वीडियोस पूरी भरी पड़ी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, देखते हो नहीं हो वो अलग बात है, वरना मैंने हर वीडियो में बताया है कि ब्लेंडिंग इज़ द मस्ट। जितना अच्छा ब्लेंडिंग करोगे उतना अच्छा आई मेकअप होगा। जस्ट मैंने आउटर कॉर्नर पे किया था एंड उसके बाद मैंने अपने आईलैशेस को कर्ल किया है। मेबलिन का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो मस्कारा, अगर आपकी जो लेंथ है ना वो हल्की है ना, तो 2-3 कोट आप यूज़ कर सकते हो, बस मेरा एक ही काफ़ी होता है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनडा का बुलेट लिपस्टिक, जो कि मैट में आती है एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड द हेयर इज़ द फाइनल लुक गाइस। होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो पता है वो क्या करना है एंड मज़े लो इस वीडियो के एंड ये देखो लुक। अगर पसंद आया हो तो डू कॉमेंट, लव यू। गाइस होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड ये फ्लॉलेस बेस मेकअप आपको कैसा लगा, प्लीज़ डू कमेंट एंड मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का ऐप आपको हैंडल दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते हो। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू।